लोगों को पूर्व से ही पता था, चूंकि एनडीए इतना मजबूती से चुनाव लड़ रही थी कि सभी कार्यकर्ता लगे हुए थे, ये कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, पूरे एनडीए कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। कितना से उम्मीद है अभी तो फाइनल में, लेकिन क्या आ गया फाइनल? वो अंदर जा रहे हैं तब पता है। फाइनल हो गया सर, इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं को देना चाहेंगे एकदम। डॉक्टर अशोक यादव जो हमारे सांसद हैं, और हुकुमदेव नारायण यादव जी जो हमारे पूर्व सांसद रह चुके हैं, अभिभावक रह चुके हैं, मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा। सरकार में किसकी सरकार परास्त तो कार्यकर्ताओं ने ही किया है, क्योंकि संगठन हम लोग का इतना मजबूत है एनडीए संगठन कि उसके सामने परास्त होना उनका तय था, पूर्व से ही तय था। जब ही वो क्षेत्र बदल के आए उसी समय वो हार स्वीकार कर लिए थे। क्या कहेंगे MY समीकरण और उसमें पूरा ध्वस्त वाई था, लोग सर्वे आया था उसमें ये बताया जा रहा था, क्या कहेंगे उस पे? सारा वाई समीकरण फेल हो गया। वाई समीकरण के लोगों ने मुझे पर्याप्त मात्रा में मदद की। जनता के लिए मुद्दा क्या लगा आपको इस जीत में? आप किस मुद्दे को सोच रहे हैं कि जनता ने वोट? जनता विकास के नाम पर हमको वोट की, चूंकि अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं देश के, उनका जो मुद्दा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास।